देखो बेटा, अभी जो मैं समझा रहा था कि अगर भाई हमारे पास डेसिमल में कुछ आ जाएगा जो वहां पे अगर कैलकुलेट नहीं होता तो कैसे करेंगे, तो मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं ये बातें एक्सप्लेन करने के लिए। इनको ध्यान से समझना और कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, ठीक है, जो बोलूंगा साथ में रखते जाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, कैलकुलेट सी आई ऑन रुपीज 5000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कैसी कंपाउंडिंग है? एनुअल कंपाउंडिंग, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 5000, राइट। टाइम पीरियड कितना हो गया 1.5 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 4%। सब कुछ दे रखा है और निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला है आपके पास, अब उस फॉर्मूले को लगाने में क्या दिक्कत आएगी वो देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 5000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आई, आई कितना है 4, तो 1 प्लस 0.04 हो गया, होल पावर एन, एन कितना है 1.5 माइनस 1। अब दिक्कत आ गई क्योंकि इसकी पावर 1.5 तो निकाल नहीं सकते हम कैलकुलेटर, ठीक है, एंड दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट ऑल्सो। तो इसीलिए यहां पे हम ये तरीका नहीं लगाते हैं। तो क्या तरीका लगाते हैं? तरीका क्यों गलत हो गया? तरीका इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप अगर बेसिक पे जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्या होता है, हाउ इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, तो अगर मैं उससे कैलकुलेट करूं तो मेरे को पता है कि 1.5 इयर्स जो मेरा है, 1.5 इयर्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स या 0.5 इयर्स, 6 मंथ्स या 0.5 ईयर, एक ही बात होती है। एक साल जो पूरा साल है वो तो अलग कर दो, और आधा साल या अधूरा साल अलग कर दो, ठीक है। अब ये जो 1 ईयर वाला है, इस पे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो अपना, जो भी कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट 1 ईयर पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होते हैं, तो इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होगा, राइट। वो वाला जो प्रिंसिपल, वो वाला जो अपना जो अमाउंट आएगा या इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट किसमें जुड़ जाएगा? प्रिंसिपल में। और अब 6 मंथ्स के लिए क्या कैलकुलेट होगा? एसआई। The only difference is principal will change. Calculate ऐसा ही हो। तो आपको याद हो तो CIB तो ऐसे ही निकाला था, मैंने comparative table बनाया था, उसमें क्या करते थे हम? ऐसा ही निकालते थे, लेकिन हर बार principal बदल जाता था, इसलिए वो CI बन जाता था, और कोई फर्क थोड़ी, ठीक है। तो this time we'll do with basics. तो कैसे करेंगे बेटा? देखो सबसे पहले 1 year के लिए निकालता हूँ, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए अगर मैं CI निकालना चालू करूं, उसको let us call as I1, I1 नाम दे देते हैं, ठीक है। कितना होगा I1? I1 होगा 5000, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया ना, एक साल के लिए तो सेम ही होता है। तो ये हो गया P, ये हो गया I, ये हो गया N, कितना आएगा 0.04, ये I हो गया, और इंटू N कितना हो गया हमारा 1, एक साल के लिए निकाल, ठीक है। 5000 इंटू 0.04 कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 200 रुपए, ठीक है। व्हाट यू गेट इज 200, ठीक। तो 200 रुपए इंटरेस्ट मेरे को मिला पहले साल, अभी और क्या बचा हुआ है? 6 मंथ्स बचा हुआ है। अब ये 200 जाके किसमें जुड़ जाएगा? जो मेरा प्रिंसिपल था, कितना प्रिंसिपल था? 5000, 5000 में 200 जुड़ जाएगा। तो अब जो मेरा नया प्रिंसिपल आएगा P डैश, वो आएगा 5000 प्लस 200, तो कितना हो गया 5200। अब मेरे को जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, कितने महीने के लिए मिलेगा? 6 महीने के लिए मिलेगा, क्या ऐसा ही मिलेगा, बस इस पे मिलेगा, दैट इज ऑल, ठीक है। तो क्या होगा अब जो I2 आएगा मेरा n इक्वल टू 0.5 के लिए, ठीक है, वो कितना आएगा भाई? वो आएगा 5200 मल्टीप्लाइड बाय I, कितना है मेरा I तो 0.04 ही, राइट, लेकिन अब मेरा टाइम पीरियड कितना है 0.5, इतना मिलेगा मेरे को इंटरेस्ट के लिए मिलेगा, समझ आई बात, ठीक है। कितना मिलेगा? हाउ मच यू गेट? 104, 104 रुपए आपको सेकेंड इंटरेस्ट मिला, राइट। सो दैट मीन्स वॉट इज योर ओवरऑल इंटरेस्ट I? इट इज I1 प्लस I2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 200 प्लस 104, 304 रुपए आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन, 304 रुपीज। एंड दिस इज हाउ यू शुड डू इट व्हेनेवर यू हैव फ्रैक्शनल इयर्स। फ्रैक्शनल इयर्स अगर यहीं पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि डेढ़ का हम क्या बना लेते? 3 बना लेते, तो वो तो हमने कर ही दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर इंटीजर नहीं, जहां पर इंटीजर नहीं है उसको क्या करो? इंटीजर वाला अलग कर लो, फ्रैक्शनल वाला अलग कर लो, फ्रैक्शनल वाले का ऐसा ही निकालो। लेकिन ऐसा ही निकालने में ध्यान क्या बात रखनी? खाली प्रिंसिपल विल चेंज, पिछला वाला जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रख लोगे तो ऐसा ही का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो कभी भी तुम्हें फ्रैक्शनल पावर दिख रही हो, यही लॉजिक लगता, ताकि ना तो फंसोगे ना गलत आंसर आएगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक, चलो अब एक और चीज समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ रुपीज 10,000 अमाउंट्स टू रुपीज 12,000 इन 2 years एंड 4 months कंपाउंडेड एनुअली। अभी भी कंपाउंडिंग एनुअली है, ठीक है, यानी चेंज कुछ नहीं करना।
अब हमें दे रखा है कि 10,000 हमारा प्रिंसिपल है और 12,000 हमारा अमाउंट है, और टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 2 years and 4 months। ठीक है, अब पहली बात तो ये जो टाइम पीरियड उसने दिया है 2 years and 4 months, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 + 4/12 ईयर्स में बदलने के लिए, तो इसको 2 + 1/3 एलसीएम दिया तो 7/3, तो इसको 7/3 ईयर्स लिख सकते हैं। पहली बात तो एन को हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर्स में, 7/3 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P1 + I की पावर 8, ये होता है फॉर्मूला। इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अमाउंट है 12,000, ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000, ओके, 1 + I, I नहीं पता, और n है 7/3। अब आप I कैसे निकालोगे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी तो कराया था लेकिन उसमें तो निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि ये जो पावर थी या तो उसकी वैल्यू दे रखी थी, जैसे 1/2 की पावर 1/7 दे रखा था, और या फिर हमें 1.05 का क्यूब पता था कि भाई क्या होता है, तो हमने निकाल लिया। अब ये तो अजीब सी चीज आ गई ना भाई, 7/3 पावर, अब 7/3 पावर तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब करोगे तो यही ना, इसको यहाँ डिवाइड करोगे, इसको यहाँ डिवाइड करोगे, तो 12,000 / 10,000 कितना होता है, 1.2, 1.2 बराबर 1 + I की पावर 7/3। अब मैंने जो समझाया था कि अगर मेरे को यहां से पावर हटानी है तो यहाँ रेसिप्रोकल पावर लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे क्या पावर आएगी बेटा, 3/7, लेकिन इसकी 3/7 पावर कहां से लाऊंगा मैं, 7th रूट थोड़ी निकाल सकता हूं किसी भी नंबर, तो अब वहां आके फंस गए, समझ आई। अब तो ऑप्शंस रख के भी क्या होगा, ऑप्शंस जैसे मान लो तुमने ऑप्शंस रख दी, तो ऑप्शंस में भी 7/3 पावर कैसे लाओगे। तो अब इसको करने के दो तरीके, ठीक है, एक तो ऑप्शन अप्रोच होगी। ऑप्शन अप्रोच कैसे होगी, जैसे मैंने क्या किया भाई, आई की वैल्यू यहां डाल दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 3/2 उड़ाना है ना मेरे को, ये 3/2 ही तो प्रॉब्लम करता है, तो इस 3/2 को उठाने के लिए, उड़ाने के लिए दोनों तरफ 3 पावर ले लो। अगर 3/2 उड़ाना है तो दोनों तरफ 3 पावर ले लो, रेसिप्रोकल पावर, अपॉन 3 का रेसिप्रोकल 3 हो गया। तो मैंने अगर दोनों तरफ 3 पावर ली तो ये बन जाएगा 1.2 का क्यूब बराबर 1 + I की पावर 7, ये बन जाएगा कि नहीं बेटा। ठीक है, अब आप क्या करो, एक एक ऑप्शन यहाँ आई की जगह रखते जाओ और कैलकुलेटर पर निकालते जाओ भाई, किसकी पावर 7 करने पे इसके बराबर आ जाता है, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ही हो गया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, इफ आई डिड नॉट हैव ऑप्शन तो मेरे पास ये फ्रीडम नहीं थी, लेकिन आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, तो तुम्हारे पास तो इजीएस्ट तरीका ये है करने का कि तुम इस 3 को उड़ाओ, 3 को उड़ाने के लिए दोनों तरफ 3 पावर ले गई। अब 1.2 का क्यूब तो निकाल ही सकते हैं आराम से, 1.2 का क्यूब क्या हो गया भाई, 1.728 हो गया, और यहाँ पे 1 + I की पावर 7 हो गया। उसमें एक एक ऑप्शन आई की जगह रखते जाओ, निकालते जाओ, 7th पावर किसमें इसकी बराबर आ जाती है या नियरेस्ट आ जाती है, वो वाला ऑप्शन हम लगा देंगे। हो सकता है एग्जैक्टली 1.727 आ जाए तो भी हम लगा देंगे, क्योंकि वो नियरेस्ट, समझ आई बात। ठीक है, तो इसलिए एक तरीका तो ये हुआ, और ऑप्शंस जब होते हैं तो यही तरीका लगाना बेस्ट है। लेकिन सब्जेक्टिविटी में देखा जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी समझो अच्छे से, क्योंकि ये तुमको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा, जैसे अकाउंट्स वगैरह में भी समटाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब निकालना होता है, तो वहां भी हमें ये चीज काम आती है। तो अब ध्यान से समझो, यहां तक तो हमने निकाल लिया, तो यहां तक तो मैं सेम इक्वेशन लिखने वाला हूं, कोई फर्क नहीं, ये काम तो मुझे करना ही करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा वो ध्यान से समझो, बिकॉज मैं इसको नहीं निकाल सकता तो मुझे इस पावर को हटाना है। पावर को हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो रेसिप्रोकल पावर लेना, लेकिन वो तो यहां काम कर नहीं रहा। दूसरा तरीका क्या होता है पावर हटाने का बेटा, लॉग। ठीक है, सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या करूंगा मैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक सीखने वाले, कैलकुलेटर पास में रखो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लिया तो क्या आएगा, यहां लॉग 1.2, यहां क्या आएगा बेटा, लॉग में याद है पावर बाहर आ जाती थी, 7/3 बाहर आ गया, लॉग ऑफ 1 + I बच गया, यही होता था। लॉग में बेस नहीं लिखी, मतलब बेस कितनी है 10। ठीक है, अब तुम्हें एक तो यहां पे लॉग 1.2 कैलकुलेट करना है, लॉग 1.2 तो हमें नहीं पता, राइट। अब लॉग 1.2 कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे, उसकी ट्रिक समझो और साथ में करते जाओ, मैं लॉग 1.2 की ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे 1.2 लिखो, टाइप 1.2, ठीक है, कर लिया टाइप। उसके बाद क्या करो, रूट वाला जो बटन है ना, रूट वाला बटन, उसको 13 times प्रेस करो, प्रेस रूट बटन 13 times कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब 1.2 लिखा उसके बाद रूट 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 13 बार दबा दिया, दबा दिया, एक बार मैच करते जाना। ठीक है, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट तुम्हारे से मैच करने के लिए लिख रहा हूं, ये मेरे कैलकुलेटर पे दिखाना चाहिए 1.00000222 दिखा रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो भी आया उसमें से माइनस 1 करना,
जो भी रिजल्ट आया उसमें से माइनस वन, तुम्हें स्क्रीन से हटना ही नहीं, अब माइनस वन कर दो। अब माइनस वन करोगे तो क्या होगा, ये वन उड़ जाएगा, वन उड़ेगा तो 0.000022 दिखा रहा होगा तुम्हारा कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। अब ये जो भी आया, लास्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय 3558, यू टू रिमेंबर दिस नंबर, ऑलवेज यू टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। ये स्टेप्स है लॉग निकालने की, वरना तो लॉग टेबल चाहिए होती ना, तो हमने कैलकुलेटर पे ट्रिक निकाली कि लॉग कैसे निकालते हैं, और ये सिर्फ बेस 10 के लिए ट्रिक है। अगर कोई दूसरी बेस होगी तो आपको पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आप बेस 10 में बदल के आंसर निकाल सकते हो, समझे ना। बेस चेंजिंग फॉर्मूला मतलब, जैसे कोई मेरे से बोलता है कि लॉग 2 की बेस 3 निकालो, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं लॉग 2 अपॉन लॉग 3, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। अब लॉग 2 के लिए ट्रिक काम कर जाएगी, लॉग 3 के लिए ट्रिक काम कर जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 2 और 3 को डिवाइड नहीं करूंगा, लॉग 2 और लॉग 3 को निकाल के डिवाइड कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो एनीवे, तो मेरे पास जब बेस 10 है, तो अभी समझ में आई तुमको स्टेप, पहली स्टेप वो नंबर टाइप करो, दूसरी स्टेप रूट कितनी बार दबाओ 13 बार, तीसरी स्टेप माइनस वन करो, चौथी स्टेप इंटू 3558 करो, ठीक है। अब ये जो इंटू 3558 किया तुमने, उसके बाद जरा देखो क्या बच रहा है, मैंने किया माइनस वन, ठीक है, फिर इंटू 3558, 0.0791875 ऐसा कुछ आ गया, 0.0791875 इस तरीके से कुछ नंबर आ गया, ठीक है, इतना मैच कर लो, इसका मतलब यहां तक हमने सही निकाला। तो हमारे पास ये लॉग 1.2 की वैल्यू आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.2, समझ में आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1.2, दिस कंप्लीट द फर्स्ट टास्क, मतलब इधर वाली जो वैल्यू थी वो आ गई मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें तो ये निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई और 7 को डिवाइड करोगे, मतलब अगली स्टेप में ये लिखोगे log 1 plus i is equal to log of 1.2 multiplied by 3/7, ऐसा लिखोगे या लिखोगे, log 1.2 ऑलरेडी तुम्हारी स्क्रीन पे है, उसको इंटू 3/7 करो, कहीं भी स्क्रीन से हटना नहीं, इंटू 3/7 करो, तो करा तुमने इंटू 3 राइट डिवाइडेड बाय 7, तो देखो बेटा ये 0.033937 ऐसा कुछ आ गया, 0.033937 ऐसा कुछ नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मतलब इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है, मतलब log of 1 plus i is equal to this much आ गया, लेकिन मुझे तो 1 plus i चाहिए। अब याद करो, किसी भी नंबर में अगर log लग रहा है और मुझे वो अंदर वाला नंबर चाहिए, तो एंटी log लेते थे, क्या लेते थे, एंटी log। तो अब जो दूसरी ट्रिक सीख रहे हैं हम, वो एंटी log की सीख रहे हैं, एंटी log मतलब याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एंटी log किसका लेना है हमें यहाँ पे, किसका लेना है, सॉरी एंटी log किसका लेना है हमें यहाँ पे, जो ये नंबर आया हमारा 0.033937 जो भी है, मतलब जो भी तुम्हारी स्क्रीन पे नंबर है, अब उसका एंटी log लेने की ट्रिक सीख रहे हैं, अभी log की ट्रिक सीखी थी, अब एंटी log की ट्रिक सीख रहे हैं। जैसे ही एंटी log लोगे तो तुम्हारे पास 1 plus i आ जाएगा, यहां से log उड़ जाएगा, बस 1 plus i में से 1 घटाऊंगा तो i का आंसर आ जाएगा, समझ नहीं। पहले इस तरफ का क्या लिया, log, log की ट्रिक समझ ली, ठीक है, उसको फिर इंटू 3/7 किया क्योंकि मेरे को इसको उड़ाना है, वो कर लिया। अब जो भी स्क्रीन पे नंबर है उसका एंटी log लेना है, तभी तो ये log उड़ेगा, तो जैसे ही एंटी log लूंगा तो ये log उड़ेगा और ये बचेगा, और 1 को फिर माइनस कर दूंगा तो i आ जाएगा, दैट इज माय आंसर, समझ नहीं। तो जब भी मेरे पास फ्रैक्शनल पावर्स होंगी जो निकल नहीं सकती है, उसमें मैं ये वाली टेक्निक लगा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि एंटी log कैसे लिया जाता है, एग्जैक्टली रिवर्स स्टेप्स जो आपने यहां लगाई थी उसी को रिवर्स ऑर्डर में लगाना है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अभी तुम ऐसे चले थे, अब तुम्हें ऐसे चलना है, जहां मल्टीप्लाई किया वहां डिवाइड करना है, जहां ऐड किया वहां सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप ही हो जाएगी, लेकिन इनटू की जगह क्या आएगा, डिवाइड। तो सबसे पहली स्टेप तुम्हारे को क्या करनी है, डिवाइड बाय 3558, ये नंबर तो तुम्हारी स्क्रीन पे है ही, डिवाइडेड बाय 3558 करो, कर लिया बेटा, कितना आ गया 0.0000953, 5 बार 0 और 953, ऐसा कुछ नंबर आया, ऐसा कुछ नंबर आ गया, मैच करते जाना, ठीक है। अब अगली स्टेप देखो, यहां क्या थी, माइनस वन, तो मेरे को माइनस वन की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस वन, माइनस को प्लस करना, इसमें वन जोड़ दूंगा तो ये वन वन आ जाएगा बस यहाँ पे, बाकी सब तो सेम रहेगा, 50 और 953, ऐसा कुछ नंबर आ गया। अगली स्टेप यहां क्या थी बेटा, रूट 13 टाइम्स, रूट का मतलब, रूट का उल्टा क्या हो गया, स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर कैसे करते हैं, हमारे कैलकुलेटर पे इनटू इक्वल टू दबाते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे इनटू इक्वल टू एक साथ दबाना है, कितनी बार, वही 13 बार, इनटू इक्वल टू एक साथ दबाना है 13 बार, समझ में आई, इसी फिगर, ये जो फिगर है कहीं भी स्क्रीन से हटना नहीं, इनटू इक्वल टू दबाओ 13 बार,
1.081 ऐसा कुछ नंबर आया इनटू इक्वल टू 13 टाइम्स दबाने के बाद 1.081 कुछ नंबर आ गया। अब ये तो लास्ट स्टेप होती थी ना, उसके बाद तो जो स्क्रीन पे आया वही आंसर है। सो दैट मींस दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट यू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। और एंटी लॉग किसके बराबर था बेटा, 1 प्लस आई के, क्योंकि लॉग उड़ गया है, लॉग उड़ गया तो 1 प्लस आई आया। इसका मतलब मेरे पास 1 प्लस आई किसके बराबर आया 1.081 के, यानी आई किसके बराबर आया 0.081 के, यानी मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई 8.1%। क्या आंसर आएगा 8.1%। समझ आई मेरी बात? ठीक है, सो 8.1% विल बी द आंसर। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास ऑप्शंस होते तो मैं ऑप्शन को यहां डाल के ये वाला मेथड लगाता, वो ज्यादा इजीयर पड़ता मेरे को, लेकिन उसमें मेरे को चार ऑप्शन चेक करने पड़ते। सो अगर ये ट्रिक आप फटाफट लगा के यहां सीख सकते हो तो फिर इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो जहां भी तुम्हें लग रहा हो कि फ्रैक्शनल पावर्स आनी है वहां पे आपको ये तरीका लगाना चाहिए, और जहां भी आपको लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है और फ्रैक्शनल पावर आ रही है वहां पे टोटल पावर वाला अलग कर लो और फ्रैक्शनल पावर वाला अलग करके एसआई निकाल लो और उसमें जोड़ लो। खाली क्या बदलना पड़ेगा एसआई के लिए? प्रिंसिपल। और इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, समझ गए? क्या करना है, पहले तुम्हें यहां तक तो पहुंचना ही है जैसे नॉर्मली पहुंचते थे, उसके बाद लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेते ही एक तो लॉग 1.2 निकालना है, तो पहले वो निकालने की ट्रिक सीख ली, चार स्टेप की ट्रिक है। जैसे ही जो आंसर आया राइट, वो आंसर यहां पे आया, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नंबर जो भी है, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा लॉग 1 प्लस आई इक्वल टू दिस आएगा। अब लॉग 1 प्लस आई की वैल्यू थोड़ी चाहिए मेरे को, तो 1 प्लस आई की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को इस लॉग को उड़ाना है, तो उसके लिए एंटी लॉग लेना है। तो यहां जो भी नंबर आया ना आरएचएस में उसका एंटी लॉग लेना है, उसके लिए रिवर्स स्टेप्स फॉलो करनी, इनटू हो जाएगा डिवाइड, माइनस हो जाएगा प्लस, और रूट हो जाएगा स्क्वायर। ऐसा करते ही जो नंबर आएगा वो एंटी लॉग आएगा, उसमें से 1 घटा देना तो आई आ जाएगा। दिस इज द ट्रिक, अंडरस्टूड राइट? नाउ ट्राई टू यूज दिस ट्रिक वेयर एवर पॉसिबल, ताकि आपको ये ट्रिक याद हो जाए।